चलिए हम आपसे बात कराते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य और पीटी टीचर जिनों के द्वारा बच्चों को टीम तैयार की गई है। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से। क्या नाम है? मेरा नाम रसूल अहमद है। रसूल अहमद जी, ये प्रधानाध्यापक हैं। आपके विद्यालय में जो टीम तैयार की गई, कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे विद्यालय में श्रेय जाता है, ये जब विद्यालय में आए इन्होंने फर्स्ट ज्वाइन की है सितंबर 2018 में, तो इन्होंने बच्चों में यहाँ की योग्यता देखी और इससे पहले भी एपीटी टीम से जुड़े रहे, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी हम इस तरीके की टीम जीटी की टीम तैयार करना चाहता हूँ। तो मैंने भी इनको कहा कि हमारा शुभ आशीष आपके साथ है, हमसे जो सहयोग हो सकेगा, जिस तरीके का भी सहयोग आप चाहते हैं, आप निसंकोच किए, आप विद्यालय के हित के लिए, उसके सर्वांगीण, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत रूप से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं जो विद्यालय के हित में, और इन्होंने उस निर्णय को सही साबित किया। आज हमारा विद्यालय हमारे ब्लॉक स्तर, हमारे राज्य, हमारे जिला स्तर, हमारा राज्य स्तर ही नहीं बल्कि देश और साथ ही साथ विदेशों में भी हमको कॉलें आती हैं। हमारे इन बच्चों ने, होनहार बच्चों ने भी विदेशों में भी इस गांव का नाम रोशन किया है, और हमारी ये कामना है कि ये बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, हमारी तरह शिक्षक बने और देश की सेवा के लिए ये सैनिक बने, पुलिस बने, हर क्षेत्र में बच्चे हमारे जाना चाहते हैं और इनमें काफ़ी योग्यता है, और हमें अभिभावकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, गांव वाले भी हमको सहयोग प्रदान करते हैं और हम सतत आभारी हैं सभी। चलिए धन्यवाद। चलिए आप पीटी टीचर से बात करेंगे। क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कैसे आपको प्रेरणा मिली और आ रही इस पर भी चर्चा करेंगे? देखो, सर्वप्रथम अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो जब तक बच्चों में क्या, देश में बच्चों जहाँ अनुशासन नहीं होगा तो वो देश सही नहीं चल सकता है। तो सर्वप्रथम हमने सोचा कि विद्यालय में अनुशासन, अब ये पीटी के द्वारा सबसे मेन अनुशासन बच्चों में आता है, और जब अनुशासित रहते हैं बच्चे तो पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे चाहे कुछ भी हो अनुशासित रहते हैं, कुछ भी हो, चाहे खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई में सब जगह अनुशासित रहते हैं। तो हमने सोचा जब बच्चे पीटी करेंगे तो शारीरिक और मानसिक दुरुस्त रहेंगे, और जब बच्चा शारीरिक और मानसिक दुरुस्त रहेगा तो उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। और हमारे एक बच्चे जो पीटी वाले हैं ये कह रहे हैं कि हम सेना में जाएंगे, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो इनको हमने सोचा कि जब इनके मन में कुछ लगन है तो इनको कुछ किया जाए जिससे ये आगे चल करके अपना और देश का नाम रोशन कर सकें। इसीलिए हम जब से इस विद्यालय में आए, और हमारे गुरुजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, श्री रसूल जी का, इन्होंने किसी हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी, क्योंकि इसमें बहुत संसाधन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों में, ये जो नाना प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है इसमें बहुत संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, और संसाधन ये सब लाते हैं। तो आज हमारी टीम जिले में तो टॉप है ही, मंडल की तैयारी चल रही है, और हम यही सोच रहे हैं कि मंडल ही नहीं, हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान लाए। रमेश जी का कहना है कि उनकी टीम ने सहयोग से बेहतर प्रदर्शन किया है, और लगातार संसाधनों की कमी है, इसके कम सीमित संसाधनों में भी बेहतर प्रदर्शन कराया जा रहा है, यदि प्रशासन या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें तो संसाधनों की पूर्ति करें तो शायद बच्चों को और बेहतर ढंग से बनाया जा सकता है।